पहले तू कूदिया, फिर तू, फिर मैं कूदूंगा। भाई मेरी मम्मी को बोल देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब भाई ऐसा सीन था हमारा, सबसे पहले तो यार यहाँ ना जाड़ा हो रहा बहुत ज्यादा, समझ लो बहुत ज्यादा, मतलब टोपी वोपी पहननी पड़ी ना, कान ठहर गए थे मेरे बहुत। हमारा सीन ऐसा था कि हम अभी निकलने वाले थे मलाना, मलाना ट्रैक करना पड़ता है, वहाँ पे ट्रैकिंग है, 3-4 घंटे की ट्रैकिंग है, 2-3 घंटे लगा लो अगर तुम थोड़ा तेज चलोगे तो, रुक रुक के नहीं चलोगे तो। बाकी यहाँ से उसके लिए हमें लेनी पड़ती है, अगर कोई तुम्हें मलाना जाना है ना तोश से, अगर तुम तोश आओ फिर तुम्हारा मन करेगा भाई हमें मलाना जाना है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। जैसे कि यहाँ से लेने पड़ेगी तुमको टैक्सी जरी तक की, और जरी के बाद है 3 घंटे का ट्रैक, और वहाँ पे कम से कम मान लो 2 घंटे तो तुम रुकोगे, 2 घंटे वो, 3 घंटे चढ़ने के, 3 घंटे उतरने के, तो ये हो गए 8 घंटे, और यहाँ से टैक्सी में भी मतलब टाइम ही लगता जाने में 1.5 घंटा, तो 9 घंटे लगा लो तुम्हें अप्रोक्स। तो 9 घंटे पहले हिसाब बैठाना चाहिए तुम्हें कि रात ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रात को यार सही नहीं है, थोड़ा माहौल दिखता नहीं पहली बात तो कुछ, यहाँ लाइट वाइट नहीं लग रहा कि लाइट आती भी नहीं है। तो अब उस हिसाब से हमको निकलना चाहिए था यहाँ पे सुबह 8 या 9 बजे के आसपास, जिससे कि हम वापस टाइम पे आ जाएं। बट हम लोग हो गए लेट, क्योंकि जो समीर मोंगा भाई ये उठता नहीं है बिल्कुल टाइम पे छोड़ो उठता ही नहीं है ये, तो अभी इसको उठाऊंगा और देखते हैं कि अभी क्या सीन बनता है, मलाना का ही बनता है, हम जान कर इसको उठा के निकल जाएंगे या फिर देखते क्या होता है। भाई तुम लोग मानोगे नहीं, मैं तैयार हुआ कि भाई मलाना निकल रहे हैं, अपने सारे लोग तैयार व्यार हुए, इतनी ठंड हो रही है, मैं उसमें नहाया, ये छोटो सब चीज़ें भाड़ में गई, मैं नहाया और तैयार व्यार होकर निकलने वाले, बस नीचे पैर ही रखा था, तो हमें देखो क्या मिला दिखाता हूँ। यहाँ होगी बारिश चालू, तो मैं शायद इसमें नज़र नहीं आ रही होगी, बट ना फील हो रही है मुझे, मतलब फील तो क्या ही हो रही है यार, ये है ना कैमरा चलाना भी सीखना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे को माइंड मत करना, सॉरी जज मत करना। तो भाई लोग यार अब दिक्कत हो जाएगी हमें आगे जाने में। समीर ब्रो क्या करें अब, कहाँ जाना है? गाइस जाने के तो छोड़ो, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, अभी 2 डिग्री पूछा मैंने भाई, अभी हमने जाना है ट्रैकिंग करने, ठीक है, और ना ट्रैकिंग करने से पहले बारिश हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि स्नोफॉल भी हो जाए, हमें दबा देना भाई, हमें दबा दे उसमें बर्फ में दबा दे लेकिन मौसम कैडा, अभी बारिश रुकेगी तो हमारा कोई प्लान चेंज हो सकता है, ना तो फिर हम यहीं पड़े रहेंगे, तो क्या ही हो सकता है। सबको बताओ, सबने एक चीज बोली कि भाई वहां जाके ना मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं भैया के साथ था, मेरे को पता था वहां जाके जरूर मजा आएगा, और हमारा भाई, तुम्हारा भाई कभी गलत चीज बता सकता है, सच में यहां पे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो गाइज अभी देखते हैं क्या होता है, बारिश रुकेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ना तो फिर नहीं बैठ जाएंगे, तो बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ क्या कह रहा था भाई तू? अभी भाई हमने ना ठान लिया, चाहे बारिश हो, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे अंगारे पड़ जाए, अब हम जाके रहेंगे। कहाँ जाके रहेंगे? ट्रैकिंग करने। ठीक है ठीक है, और कुछ भाई? भाई नहीं जा रहे भाई, बहुत ठंड है बार मार भाई। सच बताऊं तुम्हें, देखो एक बार ना तुम इसको देखो, ठीक है, कल वो ऊपर देखो, ये तुम्हें चीज दिख रही है, कल यहाँ से दिख रहे थे बर्फीले पहाड़, अब ना दिख रहा कुछ भी, जानो भालू भालन वाली बात कर रहा था ना, अब देखो तुम सब ढंगा, बारिश ने ढक दिया सब। भाई भाई चाय ले आओ यार, ये भाई बहुत मेहनती आदमी यार, यहाँ पे अकेला बंदा लगा हुआ है यार, तुम चाय क्यों नहीं लाते भाई? पर भाई दूध खत्म है, कहाँ से लाया? तो भाई सीन अब ऐसा होगा, उस भाई का खत्म होगा दूध, मतलब उस भाई का नहीं, उसकी भैंस का दूध खत्म हो गया है, तो हमको अब चाय की हो रही तलब, मतलब इन लोगों को, तो एक कैफे में जाना पड़ेगा जो कि है यहाँ से, अंग्रेजी में थोड़ी प्रॉब्लम आई की, तो हम वो ना थोड़ा सा दूर है तो उसमें जाना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, बारिश आ रही है, अब बारिश आ रही सिर पे गिर जा कोई बात ना, पर अब नीचे पड़ गया, पैर पर ही पट गए हम, फिर दिक्कत है, तो देखते हैं अगर हम बचे तो आगे वीडियो कंटिन्यू होगी, नहीं तो फिर मर जाएंगे हम। मर जाएंगे मतलब। तो फाइनली हम उस कैफे में पहुंचे, अब भी बारिश आ रही, बारिश रुकी नहीं, मतलब ट्रैकिंग का तो कैंसिल हो गया, और दूसरी बात जो माइंड में स्टक करी वो क्या है, अभी जो कैफे में आ रखे थे ना भाई, इनसे हमने बात करी कि हमने मलाना जाना है, मतलब ऐसे नॉर्मल बातचीत हो जाती है ना कि कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो हमने इनको बताया कि भाई हम लोग ना मलाना ट्रैक पर निकल रहे थे इस समीर के कहने पे, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें जान प्यारी नहीं आगा अपनी, वहाँ लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर के नीचे दबे पाते तुम, क्रेन व्रेन से निकलते, तो अब इससे ना एक चीज़ तो मेरे को पता चली कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर तुम्हें कोई चीज़ लाइफ में नहीं मिल रही है, किसी चीज़ तुम्हारा कोई प्लान कैंसिल हो गया, तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी, तो उसके पीछे नेगेटिव चीज़ें मत ढूंढना, उसके पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच बताऊँ ना तो इसकी चाय भी ठंडी होगी, इतनी देर में बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे चाय पी लें, उसके बाद करते बात। चीयर्स। Oh,
भाई इस ट्रिप पे मैं आया, मतलब हमने यहाँ कैफे वैफे में अभी चाय चुए पी, मैं कुछ सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ, बट एक चीज़ बहुत सीखा हूँ कि भाई अपने घर वालों की ना बात मान लिया करो। मैं जब ट्रिप पे निकल रहा था तो मम्मी ने टोपी डाल रही थी, मैं कह रहा यार मम्मी टोपी वोपी क्या करूँगा मैं, अपना बढ़िया फैशन वैशन दिखाएंगे हम। मम्मी ने फिर भी, मैंने मना मना करी, मम्मी ने फिर भी डाल दी, कहा काम आ जाए कहीं। भाई पहले दिन बस्ता उतरा, मैं बस्ता आया, बस्ता उतरा, मेरी ऐसे तैसी हो गया, मैं कहा टोपी कहाँ है, मम्मी जिंदाबाद। तो अभी हम निकल रहे हैं, एक वाटरफॉल है यहाँ इसके पीछे, तो उसमें निकलने वाला। अभी यार धूप निकल रही थी यार, फिर ऐस कर दिया, अब कैमरा जैसे ही लेकर बाहर निकलूँ धूप चली जावे, बट अब हम वहाँ निकलेंगे, उसका दिखाता हूँ आप लोगों को नज़ारा, आ जाओ। भाई ये देख लो, अभी हमें चलते चलते तुम समझ लो 300 मीटर भी नहीं हुए हैं, और भाई खस्सी क्या हाल है तेरे भाई, 300 मीटर नहीं 1 किलोमीटर चल के आए हैं। हाँ मतलब वही 300 मीटर, पर भाई गाड़ी पे आए और हम चल के आए हैं। ठीक है ठीक है, लेम जोक्स की दुकान। भाई तुम कैसे थके हुए लग रहे हो भाई, ऊपर चढ़ते चढ़ते ना आदत नहीं है ना, ऊपर चढ़ना आदत नहीं है। यो भाई भी ना तकरा देख लो भाई, राज भाई तू तो यार मेरे साथ है ना भाई, दिल्ली की हवा ने लंग्स खराब कर दिया यार। अरे कोई बात ना यार, हम वही तो करना है, साफ करना है अपने आप को। इसकी हवा में शीला जीत है भाई, इसकी हवा में शीला जीत है। कभी भी आना मस्त शीला जीत लेके जाना, ठीक है। अभी आगे दिखाते क्या होता है, अभी गिर जाता मैं इसके कैरेक्टर की तरह। भाई इतनी देर हो गई हमें झरना नहीं मिल रहा, सांस चढ़ गई माँ का सम, रिपटन हो रही है हर जगह, बारिश हुई थी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, तो यार उससे ना रिपटना हो गया सब कुछ। तो अब हम झरना ढूंढते फिर रहे हैं, आदमी ने कह रहे भाई 5 मिनट दूर है, 5 मिनट दूर कहते कहते 15 मिनट होगी, तो अभी जाते हैं झरना, जैसे दिखता है ना हम आप लोगों को बताते, ठीक है गाइस बाय। भाई क्या क्या दिखने लगा यार, सफेद बिल्ली भी दिख गई, सफेद टाइगर भी दिख जाता लगा थोड़ी देर में। भाई मगरमच्छ तो नहीं है ना वहाँ लेक में, यती है यती। भाई यहाँ यती डोले है यार, और जलपरी भी है, जलपरी मगरमच्छ है, जलपरी है, यती है, कमोडो ड्रैगन है, और ये सुअर भी है। भाई तुम मानोगे नहीं, हमें ना हमें 1.25 घंटा होगा चलते चलते, और हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, गलती हुई है कि झरना रहेगा नीचे नीचे, और हम चढ़ गए ऊपर। गूगल मैप नहीं था क्या तेरे पास? भाई तुमने बोला था कि मेरे पास ऊपर से फोन आया झरने का, मैं ऊपर हूँ। अरे भाई एक ना इसका हैशटैग लेम जोक्स कर देते हैं, और इसका एक अलग से पेज बना देता हूँ मैं। शर्म तो ना आ रही होगी तुझे? अब देखते हैं, अब नीचे जाना पड़ेगा, झरना चाहिए हमें तो, पता है जो जीत है हमारी ठान लेते उसको करके रहते हैं, सॉरी करके रहते हैं। चल भैया धन्यवाद है चल कूद जाएंगे, डाइव मारेंगे ऐसे ही, आओ डाइव डाइव। भाई पहले तू कूदियो फिर तू, फिर मैं कूदूंगा। भाई मेरी मम्मी को बोल देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। डाइव मार चल। अरे यार हद हो गई यार, पहले बताओ तो कि बस ये करना सेफ नहीं है दुनिया को जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ये सेफ नहीं ये है, करना सेफ है, बट कुछ लोग होते हैं फालतू जो भगवान ने क्रिएट कर रखे हैं ऐसे, मतलब कि होगा पैदा चल ले चल कोई बात ना जीण दे, तो उनमें से आते हैं, इनको मरने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, मैं आज एलविस भैया ने बोल दिया कि कोई मैं मरने जा रहा हूँ, ये लेटर लिख के जा रहा मेरे नाम पे, ठीक है मेरी सारी जायदाद। मेरी आखिरी विश भाई? नहीं तो कूद जा। हम भाई बहुत ज़्यादा पैदल चले, बहुत ज़्यादा हमारी ऐसे ऐसी हुई, बट फाइनली हम लोगों को झरना मिल गया, तो मैं आवाज़ भी आ गई होगी, अब तो मैं दिखाता हूँ सीधा झरना। पहले यहाँ से देखो, मतलब कि अभी ये थोड़ा दूर है, हम अभी पहुँच जाएंगे इस पर, अब सीधा तुम्हें झरना दिखेगा, सेक्सी सिनेमैटिक, मतलब सेक्सी तो नहीं बट हाँ सिनेमैटिक शॉट्स देखो अब। सो गाइस वाटरफॉल का सफ़र ख़त्म हो चुका है, ये मत समझना हम लोग खस्सी हैं, भाई बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे सांस चढ़ गई, क्योंकि पता है क्या क्या होता है, कहीं तुम जाते हो ना तो वहाँ से वापस भी आना पड़ता, तो सेम डिस्टेंस हो गया। अभी हम रुके हैं किसी कैफ़े में, और 2 घूट चाय की मारेंगे, और फिर अब हम खुले सांडे कुछ भी कर सकें। क्या करना समीर अब? भाई पैराग्लाइडिंग करने जाना है हमें समुंदर के अंदर।
इसकी अलग से खुलवाए देते हैं चैनल lamejokes.com। तो हम वापस जा रहे हैं होटल में। होटल में फिर अब क्या करेंगे, जो आज का प्लान था हमारा मनाली वाला ना, सॉरी मलाना वाला, वो हमने कल पे शिफ्ट कर दिया है। कल पे शिफ्ट तो नहीं किया वैसे हमने ना, वो छोड़ दिया है क्योंकि हम डर गए हैं। तो अब देखते हैं कहाँ जाएंगे भाई। कल का क्या सीन है, सोचा तुम लोगों ने? पर हम जा सिंगापुर ब्रो। सिंगापुर ठीक। फिर जैनपुर। तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें दवाई दूंगा, टाइम पे ले लेना। ठीक है भाई, इसका इलाज कर लूँ मैं। अभी होटल पे जाते हैं, पैर लड़खड़ा से गए हैं, लकवा मार जाएगा थोड़ी देर में हमको। आते हैं अभी। अभी गाइस हम लोग ना ये सोच रहे थे कि हम चाह रहे हैं वापस घर। इसने पता क्या प्लान जोड़ा है? क्या प्लान जोड़ा भाई? कि भाई मनाली चलते हैं। क्यों चलते हैं मनाली भाई? तो उसमें यार कितने दिन रह लेंगे? 2 दिन। अब देख लो, ये हरियाली देखने के लिए थोड़ा है भाई, बर्फ देखनी है, क्राउड देखना है यहाँ पे ना। बर्फ के नीचे दबना है, बर्फ के पोलर बियर बजाने हैं। पोलर बियर बजाने की बात नहीं है यार, चलो वो मेरी फैंटेसी है, ठीक है, इसको साइड रखते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वहाँ पे जगह बहुत अच्छी है यार मनाली, मान ही नहीं रहे यार। तो उसमें क्या रखा है? कुछ नहीं है तो उसमें। अरे कैसे मुड़ाएगा भाई? तुम लोग मुझे ना कमेंट करके बताओ नीचे कि तोश बढ़िया है या मनाली। और जो जो भाई तोश नहीं आ रखा ना, वो मनाली का नाम मत लिखना, दोनों जगह जो आ रखे हो वही लिखना। इन्हें भी तो पता चले कि भाई यार मनाली कुछ नहीं है भाई, मनाली बढ़िया है। वहाँ बर्फ के नीचे कीचड़ है यार, यहाँ सीधा कीचड़ देखने को मिल रहा तुम्हें। तो देखो फिर ऊपर वाइट वाइट भी तो है भाई, वो वाइट कीचड़ ही है वो भी यार। अगर तुम्हें बर्फ देखनी है तो वहाँ जाओ ना, वो इतनी दूर दूर भी कहाँ जाना। फ्रिज में चले जाओ बर्फ देखनी है तो यार, मनाली को जा रहे हो। चाय कर दो अंकल, म्यूजिक बंद करो पहले, कॉपीराइट आ जाएगा। चाय कर दो अंकल।